शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिग्रस तहसील में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का कुल आंकड़ा 28 हो चुका है। ऐसे में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और आए दिन सील हो रहे इलाकों के नजारे शहर की जनता को सकते में डाल दिया है। इस विषय पर लोगों ने एनबीसीएन न्यूज से अपने विचार साझा किए। पेश है ये रिपोर्ट। कोरोना का बढ़ता प्रादुर्भाव दिग्रस शहर और ग्रामीण इलाकों की जनता के लिए जी का जंजाल साबित हो रहा है। कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों और इसके परिणाम स्वरूप सीलबंद हो रहे इलाकों की खबरों से लोग हैरान हैं। रविवार शाम तक शहर और ग्रामीण इलाकों के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कुल 28 दर्ज की गई है। वही स्थानीय प्रशासन द्वारा संबंधित कोरोना मरीजों के संपर्क में आए हुए संदिग्धों को पास के ईसापुर गांव में स्थित कोविड केयर सेंटर में ले जाने के काम को अंजाम दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कोविड केयर सेंटर में भर्ती किए गए लोगों की संख्या 146 हो चुकी है। दिग्रस और परिसर में अपनी रफ्तार से फैल रहे कोरोना प्रादुर्भाव के चलते लोग चिंता में जरूर है, पर फिर भी लोगों को यकीन है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार और WHO द्वारा जारी निर्देशों के पालन से खुद का और परिवार का काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। एक इलाका है जहां पर एक मरीज की मृत्यु हुई, बाद में उनको कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी आई है। इसको देख चलते लोगों में काफ़ी घबराहट है और काफ़ी सख्ते में लोग आ चुके हैं। मेरा कहना यह है कि घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब ये जो बीमारी आई है, अब ये बीमारी एकदम से तो ख़त्म होने वाली नहीं है। ये कोरोना COVID-19 का जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो हमें जो गाइडलाइन भारत सरकार की तरफ दी जा रही है तरफ से या WHO की तरफ से, उसका पालन करते हुए, मास्क का इस्तेमाल करते हुए, सैनिटाइज़र का घर के बाहर जब जाते हैं और वापस जब आते हैं तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। अगर हम डरते रहेंगे तो ज़िंदगी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, फिर हमें इस कोरोना से लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को चालू रखें और भारत सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन हमें दी जाती है उसका पालन करते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते चले। मालूम हो कि शनिवार शाम को काजीपुरा इलाके के एक उम्रदराज शख्स की कोरोना से मौत के बाद संबंधित परिसर को कंटेनमेंट एरिया में तब्दील किया जा चुका है। ऐसे में नजदीकी परिसर के लोग एक दूसरे से प्रशासन को सहयोग करने और सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। आमच्या घराजवळचा काजीपुरा हा इलाका सील झाल्यामुळे इथे पेशंट मिळालेला आहे, सील झालेलं आहे। दिग्रसमध्ये बहुतेकसे एरियातनी सील झाल्यामुळं पेशंट वाढलं, दिग्रसमध्ये पेशंट वाढत आहे, त्याचमुळं आम्हाला पोटापाण्याच्या परिस्थितीनुसार घराबाहेर पडावं लागतं, याची आम्हाला काळजी आहे। लहान मुलंही घरात नाही आहे, तरी प्रशासनानं आणि इथल्या दिग्रसच्या नागरिकांना, लोकांना आम्हाला सहकार्य करावं आणि प्रशासनानं सहकार्य करावे, हीच विनंती। परिसर के युवाओं को लगता है कि फिलहाल कोविड से तत्काल छुटकारा मिलना भले ही संभव नहीं, लेकिन ऐसे में बचावात्मक तरीकों के प्रचार प्रसार के लिए स्थानीय प्रशासन को नए सिरे से प्रभावी मुहिम चलाने की जरूरत है, ताकि लोग सतर्क रहे और बगैर घबराए कोरोना की गंभीरता को समझे और उससे मुकाबला कर सके। COVID-19 को लेकर प्रशासन से यही मांग है, यही अपील है कि लोगों में बहुत अभी जागरूकता बहुत जरूरी है, और प्रशासन से एक हमारे ऐसी मांगे कि वो अपना COVID-19 को लेकर एक ऐसी मुहिम चलाए जिससे लोगों को जागरूकता मिले। फिर COVID-19 को लेकर लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, और लोगों का जो डर बाहर निकालना है तो उसके लिए प्रशासन को मुहिम चलाना बहुत ज़रूरी है, और प्रशासन ये मुहिम चलाए, ऐसी हमारी एक अपील है। गौरतलब है कि रविवार को स्थानीय थानेदार सोना जी आमले, तहसीलदार राजेश वजीरे, नगर पालिका मुख्याधिकारी शेष राव टाले, वैद्य के अधिकारी डॉक्टर KC बानोद सहित स्थानीय नगर सेवक नूर मोहम्मद ने कंटोनमेंट एरिया का दौरा किया। इस दौरान नूर मोहम्मद ने काजीपुरा कंटोनमेंट एरिया की जनता को धैर्य देते हुए प्रशासन से सहयोग करने की अपील भी की है। अपना एरिया आज से सील होने वाला है, कोई बात की अगर तुमको जरूरत पड़ी, मैं होगा, CO साहब हो गए, तहसीलदार साहब हो गए, इनको इन्फॉर्मेशन देने का, कुछ भी अड़चन रही हम करने को तैयार है। ज़्यादा लोग बाहर निकलने का नहीं, घर में रहने का, मास्क लगा के रखने का, हाथ धोने के और गर्दी करने की नहीं। आप 15 दिन में अपन पूरा नील निकलने वाले हैं और कोरोना पर मात करने वाले हैं।
गौरतलब है कि जहां दिग्रस और आसपास के इलाकों में कोरोना अपने रफ्तार से बढ़ रहा है, वहीं बहुत से लोग अपनी सतर्कता का परिचय दे रहे हैं। फिर भी लोगों में कोरोना से बचाव को लेकर अभी तक ज्यादा जागरूकता को बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन शहर और ग्रामीण इलाकों में जनता के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नए सिरे से जागरूकता मुहिम चलाए, यही वक्त की मांग है। NBC News के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।